हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ पीसी और लैपटॉप में जियो सिनेमा जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर आप जो है लाइव मैचेस देखते टाइम वो लॉग आउट हो रहा है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है गूगल क्रोम को ओपन करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बेसिक टैब में टाइम रेंज में ऑल टाइम आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ऑल बॉक्स को आपको चेक करना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सिस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप्स व्हेन गूगल क्रोम क्लोज, तो ये ऑप्शन को आपको टर्न ऑफ कर देना है और यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको अनेबल करना है। यूज ग्राफिक एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, तो ये ऑप्शन को आपको अनेबल कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रिसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर रिस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जो है रिसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपके पास गूगल क्रोम की सेटिंग जो है वो रिसेट हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अबाउट क्रोम के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पास गूगल क्रोम अप टू डेट है या नहीं। अगर आपके पास गूगल क्रोम अपडेट नहीं है तो यहाँ पर ये गूगल क्रोम जो है इस तरीके से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, तो आप ये अपडेट कम्प्लीट होने तक थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल क्रोम जो है यहाँ पर अपडेट हो गया है, तो आपको यहाँ पर रीलॉन्च के ऊपर क्लिक कर देना है, गूगल क्रोम जो है ऑटोमेटिक क्लोज होकर ओपन हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए गूगल क्रोम ओपन होने तक, उसके बाद आपको जो है गूगल क्रोम को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप जो है जियो सिनेमा जो है लॉग इन कर आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद भी दोस्तों आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई तो आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ 11 के सेटिंग में आना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऐप्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक कर इस तरीके से टाइप करना है, फिर आपको जो यहाँ पर गूगल क्रोम शो हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, फिर से अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, गूगल क्रोम अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है गूगल क्रोम को फिर से रीइंस्टॉल करना है, फिर आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।